नमस्कार। सबसे पहले आप लोगों का माफी इसलिए मांगना चाहता हूँ, कुछ लोगों को दिक्कत हुआ और होटल्स लेट मिले, कुछ लोग रात को आए थे, काफी दिक्कत हुआ। वैसे जिस होटल में खड़े हैं बैठे हैं हम लोग, वो होटल का एक खासियत है कि फाइव स्टार है, कमिटी एक करते हैं और डिलीवर दूसरा करते हैं। तो एक तकलीफ हुआ है हर होटल का, क्योंकि उनका भी कहीं गलती नहीं होता है, रात के गेस्ट थे, वो जल्दी नहीं गए, आपको टाइम दिया था, तो आपको जो तकलीफ हुआ उसके लिए हम माफी चाहते हैं आपसे। कोशिश यही करते हैं कि आप लोगों को तकलीफ ना हो, लेकिन कुछ चीजें हद से बाहर होती है। शशि लास्ट चार दिन से यहाँ बैठा है, सब लोगों की व्यवस्था कर रहा है, सभी डीलर्स मतलब हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है कर रहे हैं, फिर भी तकलीफ हुआ, हम सो सॉरी फॉर दैट। ओके, थैंक यू वेरी मच, मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। आदरणीय पाटिल सर, शशि, शैलेन शुक्ला, रविंद्र शुक्ला, रमन्ना, ऑल एसीटीक्यू, संतोष, हमारे जूनियर मिस्टर शशि का छोटा मतलब है लड़का नील, और ये सभी का शुक्रगुजार हूं, आप सब लोग, उसके सिवा ये प्रोग्राम पॉसिबल नहीं है। तो आज हम जो बात करेंगे अगेन दैट इज इम्पोर्टेंट है, इमेज के लिए बात करेंगे। ये बहुत सुनिए, बहुत भागता है, मेरे से ज्यादा भागता है, एक बार क्लिक करे तो सीधा क्या बोलते हैं उसको, फ्यूल चेक मिल गया। कौन है भाई इसका, ये वापस ले लो प्रेजेंटेशन थोड़ा सा। देखिए आज हम बात करेंगे, पूरी दुनिया आज है ना, पूरी दुनिया कहेंगे हम लोग, पूरी दुनिया वायरस से त्रस्त है, लेकिन जानवर वायरस से त्रस्त नहीं है, जानवर वायरस से त्रस्त नहीं है। बिलीव मी, जिस दिन जानवर को वायरस हो जाएगा ना, हमारी ये 100% अच्छी जो शरीर है, काया है, बॉडी है, उसको उठाने के लिए कोई नहीं रहेगा। इसलिए जानवर है, उसलिए आज हम है, मैं आज आपको थोड़ी टाइम बाद बता सकता हूं, क्योंकि आज के तारीख में मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी हमारी केमिकल स्टडीज है, एनालिटिकल स्टडीज है, मेडिकल स्टडीज है, जितनी भी पूरे के पूरे हम जानवर के ऊपर करते हैं, बहुत कम बार हम उसको मारने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज है ना वापस वो सर्वाइव करते हैं, लेकिन हम एक वायरस उससे हम इतना पूरी दुनिया करीबन 2 साल से घर में बैठा है, बाहर नहीं निकलता, अपने से हाथ नहीं मिलाता है, और दूसरा इंडिया का संस्कृति सब आप नमस्ते करने लगे, नहीं तो हाथ करते थे, मिट्टी मारते थे, इससे दूर जा रहे हैं, कहना यही है एक वायरस। तो ये वायरस 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 वायरस, इसके लिए तो अभी पूरी दुनिया बात करते, लेकिन हम लास्ट 14 साल से इम्यूनिटी के ऊपर बात करें। आजकल चाय वाला ही बोलता है मेरी चाय से इम्यूनिटी बढ़ती है, इवन कपड़े वाला ही बोलने लगा कि मेरी कपड़ा पहनो उससे भी आपके शरीर के अंदर फंगल इन्फेक्शन जाएगा, इसके अंदर सही में जाएगा जरूर, लेकिन उसने अगर बाम्बू का जो मतलब तंतु है, फाइबर्स है, वो अगर यूज किया तो जाएगा, लेकिन हर बंदा उस पर कोशिश कर रहा है। खैर हम छोटी सी बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे, क्योंकि इम्यूनिटी ने सबने जाना है, हमने इतना इसके ऊपर काम किया है कि शायद मेरी शशि ने सही कहा कि मेरा सबसे ज्यादा टाइम जो है पूरा टाइम मेरा फैक्ट्री में जाता है या बहुत लोगों से मिलने में जाता है जो लोग इसमें काम करते हैं। कहना यही है क्योंकि ये जो इम्यूनिस कैप्सूल है, धन्वंतरी का जड़ है, धन्वंतरी का रूट है, और इसी के ऊपर है धन्वंतरी, बाद में पूरा का पूरा एम्पायर खड़ा हुआ है, शुरुआत यहां से हुई थी, उसके साथ इसकी जड़ें और मजबूत कर दी, क्योंकि जड़ें तब तक मजबूत नहीं होती जब तक आपके घर में सही तरह से पैसा नहीं आता, और मैक्सिमम पैसा आज हमारा कृषि डिवीजन जो है, एग्रीकल्चर डिवीजन जो है, आरपीएस जो डिवीजन है उसने से तो गए, क्योंकि करीबन 70% लोग किसान के ऊपर निर्बल है हमारे अर्थव्यवस्था, और हम भी उसके ऊपर निर्बल है। तो एक हेल्थ एंड एग्री दोनों को साथ लेके धन्वंतरी चली, लेकिन इसके ऊपर काम करते टाइम हम लोगों ने डे बाय डे हम इसके तो बहुत इंप्रूवमेंट किया। मैं एक छोटा सा बात बता देता हूं, सब लोगों को पता है कि इमरी गाय का पहला दूध का अंदर एक्स्ट्रैक्ट है, लेकिन वो गाय कौन सी है, कहां से आते, किस तरह से आते, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं। लास्ट करीबन
धनसुख महावर साहब यहाँ है, हम गुजरात में हमारा फैक्ट्री है, एक प्रोडक्ट के लिए एक फैक्ट्री है, इमेज के लिए सेपरेट यूनिट है। तो ये फैक्ट्री शुरू करने से पहले उत्तर गुजरात है या राजस्थान का पचपड़ा से लेकर कुछ पार्ट है, हमने करीबन 7.5 लाख ये जो गिर की गाय है, काकेर है, सहवाल है, ये सभी गाय को हमने टैग किया पहला। मतलब क्यों टैग किया? ये गाय को टैग इसलिए करना जरूरी था क्योंकि ये गाय जब बछड़ा देगी उससे पहले हमें इन्फॉर्मेशन मिले। उसके साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण था, ये गाय हमें सिर्फ और सिर्फ A2 दूध ही देने वाली चाहिए थी। ये बहुत मायने रखता है। इस दुनिया के अंदर भगवान परशुराम की बात करें तो मतलब है ना, आपके पास एचएफ कवच भी है, इंडिया के अंदर उसका क्रॉसब्रीड जर्सी गाय भी है और भैंस भी है, बहुत कुछ है, लेकिन सबके अंदर IgG यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन जो है उतने नहीं पाए जाते। मैं IgG की परिभाषा जिस तरह से आप लोगों ने कोरोना पर सुना है, लेकिन कोरोना को भी पहचानने के लिए आपको IgG का पैरामीटर लगता है। ये भी आप मतलब जो पैरामीटर्स है जो की वो भी है, अगर समझ लीजिएगा आपके शरीर के अंदर वायरस की मात्रा IgG से ज्यादा है तो मतलब है ना आप है ना पॉजिटिव पाए जाते हैं। IgG पैरामीटर, अगर आपके शरीर के अंदर IgG ज्यादा हो तो वायरस कहां जाएगा? आएगा ही नहीं आपके पास, रहेगा ना के बराबर रहेगा। एक इम्यूनोग्लोबुलिन IgG मीन्स इम्यूनोग्लोबुलिन जो है, ये क्यों हम 52% तक दे पाए, उसका पहला चरण था ये। हमने पहला तो करीबन लास्ट 10 साल से काम कर रहा हूं इसके ऊपर, 14 साल तो हमने बेचते आए। ये जो मतलब 10 साल है दोस्तों, गाय को आइडेंटिफिकेशन करना, फिर टैगिंग किया उनका है ना, फिर क्लासिफिकेशन कर दिया। क्लासिफिकेशन करने के बाद एक कल्चर हमें इस्टेब्लिश करना पड़ा, क्योंकि आप जानते हैं पहला दूध दूसरा दूध मतलब फर्स्ट मिल्किंग, सेकंड मिल्किंग, थर्ड मिल्किंग, मतलब गाय बछड़ा देने के बाद पहला दूसरा और तीसरा, ये 3 मिल्क हम सिर्फ कलेक्ट करते हैं। ये 3 मिल्क कलेक्ट करने से पहले हमें बहुत कुछ तैयारी करनी पड़ती है। तो हमें ना मतलब वो गाय का बछड़ा देगी, एक किसान का मैसेज आता है, आजू बाजू हमारी एजेंसीज है उसको एक मैसेज जाता है, फिर वो क्या करता है भाई 10 दिन में 5 दिन में हमारी गाय बछड़ा देने वाली है तो आप हमें वो किट भेजें। वो किट क्या है? जो निपल्स होते हैं ना गाय के, जहां से हम दूध निकालते हैं, उसको हम है ना फाइटोकेमिकल, फाइटो का मतलब ये जो औषधि है ये कोई केमिकल यूज नहीं करते, जिस तरह से अपन घर में फर्श में लगाने के लिए यूज करते हैं, तो फाइटोकेमिकल्स मतलब है ना पौधे से बना होते हैं, उससे हम निपल साफ करते हैं उसके, ताकि उसके अंदर कुछ है ना गार्बेज ना आ जाए या कुछ बैक्टीरिया ना आ जाए, कुछ फंगस ना आ जाए, इसलिए उसको साफ करते हैं। और वो साफ करने से क्या होता है, गाय के जो मतलब स्तन से निपल से जो ब्लड निकलता है वो भी नहीं निकलता, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट, उसकी भी हेल्थ हम पहला रखते हैं, क्योंकि डोनर है वो, देने वाली है वो, सुरक्षित रहना हमारा पहला दायित्व है, इसलिए हम उसकी इस तरह से केयर करते हैं। फिर हम है ना पहला वो बछड़े को दूध देते हैं। कुछ लोगों ने मेरे पास मतलब मेरे पास कंप्लेंट भी आया था, सर इंसान को और दवाएं बनाने के नाते और इंसान को बचाने के नाते आप जानवरों को तकलीफ दे रहे हो, तो क्या तकलीफ दे रहे हैं आप? हमने पूछा तो बोले ना आप है ना मतलब मैंने उसका हक मार के उसका दूध लेते और आप पैसा बना रहे हो, लेकिन मेडिकल ये ट्रू नहीं है। मैंने समझाया, कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाया। बांसवाड़ा में एक बंसी गौशाला है, वहां के किसानों को हमने इकट्ठा किया जहां से कंप्लेंट ज्यादा थी शैलेंद्र जी। तो फिर है ना जब बछड़ा हो गया, हम 3 दिन में वहां रुका था और कोई भी उस समय हम गाय का बछड़ा उसको छोड़ देते थे, ज्यादा से ज्यादा 7-8-9 मिनट तक उसने पीता था वापस। हमने फिर काउंट किया, पहला जितना दूध निकला था तो उसका 75 ml से 125 ml ये ज्यादा से ज्यादा मतलब है ना 250 ml से ज्यादा वो दूध नहीं पीता, बाकी ऐसा ही रहता है। नेचर ने दूसरे को देने के लिए दिया है, हमने समझा तब वो भी इशू खत्म हुआ। यानी कि ये कलेक्शन करना, लोगों का सवाल तो ये पहला आता है इतना दूध कहां से मिलता है, हम पूछते हैं ये दूध तो मिलता है आपके घर में हर दिन दूध आता है, लेकिन मैं आपसे बात और भी करना चाहूंगा, क्यों ये गाय का मतलब रजिस्ट्रेशन, फिर उसका कैलिब्रेशन, फिर सब कुछ हमने किया, क्योंकि कोरोना के दौरान ना हलवाई चालू था, ना होटल चालू थे, ना कोई चाय वाला चालू था, ना कोई था, फिर भी किसान का कोई कंप्लेंट नहीं है कि मेरा दूध घर में रह गया, कोई कंप्लेंट नहीं। तो फिर ये दूध कहां से आता है? तो आपको पता है कहां से आता है, उस बारे में मुझे बोलने का हक नहीं है, मैं ये डायरेक्ट उचित